मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का अधिक स्वागत और अभिनंदन है। जो चैनल पर नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो दो, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका NIT का नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट आया हुआ था, इसका पेयर 20-21-22 को अलग अलग शिफ्ट में होना है। तो स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने क्या किया है कि अलग अलग रिक्रूटमेंट आया था हर NIT का। NTA इसका पेपर करा रही है, लेकिन अलग अलग रिक्रूटमेंट आया था, तो आपने एक ही पोस्ट का कई NIT का फॉर्म भर दिया है। तो आप क्या करें कि कौन सी NIT का पेपर दें, कौन सा छोड़ें। तो इसमें क्या आपको बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप जो है जिस NIT में आपने, मान लीजिए 2 या 3 NIT में भरा है, तो जिस NIT में उस पोस्ट का लैब अटेंडेंट का मान लीजिए भरा है, उसमें ज़्यादा जिस NIT में पोस्ट है उसी NIT का आपके पेपर दीजिए। यह आपके लिए बेटर रहेगा, और दूसरी NIT का तो आप दे नहीं पाएंगे तो एक साथ। तो आप उसी NIT का दीजिए जिस NIT में पोस्टें आपकी ज़्यादा हों। तो आपका एक NIT का तो पैसा बेकार हो जाएगा, लेकिन एक NIT जिसमें पोस्टें ज़्यादा हों उसका पेपर दीजिए, आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग जो तैयारी है इसको कर लीजिए। लैब अटेंडेंट जो आपका लैब अटेंडेंट और MTS इन सब जितनी भी पोस्टें हैं, तो क्या होता है कि जो नॉर्मल देखिए इसका सिलेबस दिया गया है, तो जो सभी पेपर्स में लैब अटेंडेंट का, MTS का, जूनियर असिस्टेंट का पेपर आता है, उसी प्रकार से इसमें भी आएगा। तो आप लोग फ्लेवर देख के तैयारी कीजिए और अपने पेपर को दीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।